हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गाड़ी वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे XUV 300 टर्बो स्पोर्ट्स के बारे में। एक गाय, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जल्दी कर लो। कर लिया ना? चलो अब ठीक है। ओए झंडू, तू फिर आ गया। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायमेंशन बता देता हूँ मैं आपको इस गाड़ी का। हाँ हाँ भैया, जल्दी बता दो यार। लेंथ है इसकी 3995 mm की, विड्थ है 1821 mm की और हाइट है 1627 mm की। अरे भैया, डायमेंशन से तो लग रहा है हमको कि ये कॉम्पैक्ट SUV है। अरे वाह झंडू, स्मार्ट हो गया है तू तो। अरे क्या भैया, मजे ले रहे हैं अब तो? नहीं गाइज, महिंद्रा अपनी अपकमिंग SUVs में न्यू ट्विन पीक लोगो देने वाली है। अरे हाँ भैया, मैंने भी महिंद्रा XUV700 में देखा है नया लोगो। अरे झंडू, अभी तो स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट में भी कमाल के फीचर्स के साथ साथ नया लोगो भी आएगा। ए भैया, एक टाटा कब अपना लोगो चेंज करेगी? झंडू ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन जिस दिन भी कर देगी उनकी सेल्स और ज़्यादा हो जाएगी। गाइज आपको क्या लगता है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? अरे भैया, एक्सटीरियर और रोड प्रेजेंस के बारे में भी कुछ बताइए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ठीक है भाई, ये भी बता देते हैं। तो गाइस बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं देखने को मिलेंगे आपको इस टर्बो स्पोर्ट्स वेरिएंट में, लेकिन आपको साइड डोर्स के पास स्पोर्ट्स की बैजिंग मिलेगी। हालांकि फ्रंट ग्रिल को रीडिजाइन किया है कंपनी ने और जो बम्पर है वो आपको नए देखने को मिलेंगे टर्बो स्पोर्ट्स वेरिएंट में। और हाँ, 17 इंच के न्यू अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी देखने को मिलेगा। और बात करें तो न्यू हेडलाइट्स और न्यू टेल लैंप्स क्लस्टर भी पिछले वेरिएंट से चेंज किए गए हैं। ये भैया, XUV 300 तो काफी स्पोर्टी लग रही है। खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय गया। अबे पागल, गाड़ी का नाम भी तो टर्बो स्पोर्ट्स है तो स्पोर्टी क्यों नहीं होगी। इसमें आपको 259 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक है 180 mm का। अरे भैया, इंटीरियर के बारे में कुछ तो बताओ। तो चलो गाइस इंटीरियर को देखते हैं। XUV 300 के कैबिन के अंदर आपको डार्क डैशबोर्ड और सीट अपहोल्स्ट्री के साथ ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है, जो कि काफ़ी शानदार लग रहा है देखने में। इसमें आपको सेंट्रल कंसोल के चारों साइड पियानो ब्लैक सराउंडिंग मिलती है और साथ ही इसमें बड़ा सेंट्रल इंफोटेनमेंट मिल जाएगा, जहां इसमें आपको कंफर्ट के साथ साथ काफ़ी फीचर्स भी मिल जाएंगे। चलो तो आप कुछ जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, स्टार्ट स्टॉप बटन, ABS, टू जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको 7 एयरबैग्स भी मिल जाएंगे, लेकिन मे बी 7 एयरबैग्स इसके टॉप मॉडल में हो। इसके ब्रेक्स और सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक्स ऑफर होंगे। फ्रंट में आपको मैकफर्सन स्ट्रट विद एंटी रोल बार सस्पेंशन मिलेंगे और रियर में ट्विस्ट बीम सस्पेंशन विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन होंगे। अरे भैया, बड़ी ज़बरदस्त लग रही है ये गाड़ी तो, फीचर भी काफ़ी अच्छे दे रखे हैं इसमें। गाइस आपको कैसी लग रही है ये गाड़ी, कमेंट करके मेरे को बताएं। झंडू तेरे को मालूम है क्या XUV 300 का टर्बो स्पोर्ट्स वेरिएंट कितने ट्रिम में आएगा? ए भैया, इतना तो मालूम है हमको, W4, W6, W8 और W8O। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। अरे वाह झंडू, तू तो स्मार्ट हो गया है। अरे भैया, ये तो सब आपकी संगत का असर है। तो चलो गाइस अब बात करते हैं XUV 300 के इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में। तो आपको 1.2 लीटर का TGDI इंजन होगा, जिसमें 3 सिलेंडर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन होगा, जो कि 130 HP का पावर और 230 NM का टॉर्क जनरेट करेगा। इसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन भी मिल सकता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स होगा। ए भैया, हमको लगता है आपने पिछले वेरियंट का ही इंजन और ट्रांसमिशन बताया है, टर्बो स्पोर्ट्स वेरिएंट का नहीं बताया है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ अबे पागल, तू पहले मेरे को पूरा बताने तो दे। ओ सॉरी भैया,
तो गाइस टर्बो स्पोर्ट्स वेरिएंट में न्यू एम स्टेलियन 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो कि पिछले वेरिएंट से 20 एचपी का पावर और 30 एनएम का टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। एक्सयूवी 300 का टर्बो पेट्रोल इंजन अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल पेट्रोल इंजन है अभी तक। अरे भैया, ये तो मेरे को नहीं मालूम था, आपने तो कॉम्प्लीमेंट टिप दे दी मेरे को। भैया लेकिन ये लॉन्च कब होगी? झंडू, वैसे तो महिंद्रा इसको 2021 में ही लॉन्च कर देती, लेकिन अब ये फरवरी 2022 या फिर मार्च 2022 में लॉन्च हो जाएगी। और तो और इसमें आपको 6 कलर अवेलेबिलिटी होगी, जो कि है एक्वा मेरिन, ड्यूअल टोन रेड रेज, पर्ल वाइट, नेपोली ब्लैक, ड्यूअल टोन एक्वा मेरिन और रेड रेज। देखा जाए तो काफ़ी प्यारे कलर एक्सटीरियर में मिल जाएंगे हमको इस गाड़ी के साथ। इसकी प्राइस की बात करें तो 8-13 लाख हो सकती है इसकी एक्सशोरूम प्राइस। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अरे भैया, बड़ी जल्दी ख़त्म कर दी आपने तो वीडियो। ओए तो चुप हो जाओ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।